अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नॉर्म्ड स्पेस और बनाक स्पेसेस पे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ लीनियर स्पेस एन इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेसिकली जो नॉर्म स्पेस है वो हम किसी भी लीनियर स्पेस पे डिफाइन करेंगे। लेट एन बी अ लीनियर स्पेस, देन वी डिफाइन द फंक्शन फ्रॉम एन टू आर, वेयर आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो एन जो है वो नॉर्म स्पेस होगा अगर ये चार प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करेगा। फर्स्ट वन इज़ दैट नॉर्म ऑफ एवरी एलिमेंट इज़ पॉजिटिव, नॉर्म ऑफ एलिमेंट इज़ जीरो इफ़ एंड ऑनली इफ द एलिमेंट इटसेल्फ इज इक्वल्स टू जीरो। ए जो है यहाँ पे कोई भी स्केलर है जो कि फील्ड में से उठाया हुआ है। ए ऑफ एक्स नॉर्म इज इक्वल्स टू ए मॉड एंड एक्स नॉर्म, एक्स प्लस वाई नॉर्म लेस एन इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म, दिस इज कार ट्रायंगल इनइक्वालिटी वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द सेट एन। अगर आपके पास एन जो वेक्टर स्पेस है इन चार प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करे तो वो आपके पास नॉर्म्ड स्पेस बनता है। ये एक रिमार्क है, देखिए ज़रा। एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज़ अ मैट्रिक स्पेस विद द मैट्रिक डी डिफाइन ओवर दी नॉर्म। यहाँ पे ये आपके पास डिस्टेंस फंक्शन है डी फ्रॉम एन क्रॉस एन टू आर, वेयर एन इज़ दी लीनियर स्पेस और ये आपके पास इसकी मैट्रिक डिफाइन है एक्स माइनस वाई नॉर्म। आप इस चीज़ को देखें कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन है या ये जो नॉर्म है ये इन चार प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है तो ये एक नॉर्म्ड स्पेस है। लेकिन अगर मैट्रिक की बात करें और मैट्रिक की चार प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे फुलफिल कराएं तो वो भी होल्ड होती हैं। इट मींस दैट एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज़ अ मैट्रिक स्पेस, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। उसके लिए हम इसकी एक काउंटर एग्जाम्पल जो है वो भी करेंगे। आगे आ जाती हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर देखें, ये डेफिनेशन है बनाक स्पेस की। अ कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस इज कॉल्ड अ बनाक स्पेस। बेसिकली आपने कंप्लीट स्पेस के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि हमारे पास कंप्लीटनेस ये होती है इफ़ एवरी कॉशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन दैट स्पेस, तो वो स्पेस कंप्लीट हो जाती है। अगर नॉर्म्ड स्पेस में हर कॉशी सीक्वेंस उसी स्पेस में कन्वर्ज कर जाए तो वो नॉर्म्ड स्पेस जो है वो कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस हो जाएगी और कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस को बनाक स्पेस कहेंगे। जिस तरह ये आर एन है, सी एन है, एल पी, एल इन्फिनिटी, सी ऑफ ए बी, इन सब के लिए हमने इनकी मैट्रिक्स और नॉर्म्स पढ़े हुए हैं तो इन सब पे बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होती हैं। हमारे पास बुक है डॉक्टर अब्दुल मजीद की जहाँ पे इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। दी स्पेसेस आर एंड सी ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर बनाक स्पेसेस। उन्होंने जस्ट ये प्रूव किया है कि ये जो है ये सबसे पहले नॉर्म्ड स्पेसेस हैं और दूसरी चीज़ इसके लिए ये प्रूव किया है कि ये कम्प्लीट हैं। अब अगर कोई स्पेस नॉर्म्ड स्पेस हो यानी कि उन चार प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करे और दूसरी चीज़ ये है वो कम्प्लीट हो यानी कि उसका हर कॉशी सीक्वेंस उसी स्पेस में कन्वर्ज करे तो वो आपके पास कम्प्लीट नॉर्म्ड स्पेस हो जाएगी जो कि बनाक स्पेस हो जाएगी। ये एग्जांपल नंबर टू देखें, आर एन और सी एन के लिए प्रूव किया हुआ है इन्होंने। हियर वी प्रूव दैट आर एन इज़ कम्प्लीट, द प्रूफ ऑफ कम्प्लीटनेस ऑफ सी एन इज़ सिमिलर। तो बेसिकली एक कॉशी सीक्वेंस कंसिडर करके उसी स्पेस में इन्होंने कन्वर्ज कराया है। तो ये पेज नंबर 236 है, यहाँ पे एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये एग्जांपल है एल इन्फिनिटी के लिए, स्पेस सी के लिए एग्जांपल है, स्पेस सी नॉट के लिए, स्पेस एल पी के लिए, और उसके बाद ये कुछ इनकम्प्लीट स्पेसेस आ जाती है। ये हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपने यहाँ से ये चीज़ प्रूव करनी है। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ चेक करनी है कि ये नॉर्म्ड स्पेस है, उसके बाद इसकी कम्प्लीटनेस प्रूव करनी है। कम्प्लीटनेस के लिए आप इसमें से एक कॉशी सीक्वेंस उठाएंगे और फिर बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टीज़ और बाय डेफिनेशन जो नॉर्म है उस कॉशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो करेंगे उसी स्पेस में, तो उससे क्या है कि ये आपके पास बनाक स्पेस हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक थ्योरम आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन इनवेरियंस। अ मैट्रिक डी इंड्यूस्ड बाय अ नॉर्म्ड स्पेस सेटिस्फाइज दिस। इसका मतलब ये है, जैसे अभी हमने रिमार्क पढ़ा दैट एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज़ अ मैट्रिक स्पेस, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। हर मैट्रिक स्पेस नॉर्म्ड स्पेस नहीं होती। ये एग्जांपल है, इसको भी हम चेक करेंगे। लेकिन
अगर कोई मीट्रिक स्पेस इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए तो वो नॉर्म स्पेस हो जाती है। बेसिकली ये उसका कन्वर्स है, लेकिन इसमें ये दो कंडीशंस ऐड हो रही हैं। रिपीट करती हूँ, दैट एवरी नॉर्म स्पेस इज़ अ मीट्रिक स्पेस, बट एवरी मीट्रिक स्पेस मे और मे नॉट बी अ नॉर्म स्पेस। अ मीट्रिक स्पेस इज़ अ नॉर्म स्पेस इफ़ इट सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये मीट्रिक स्पेस, हम कोई लेट कर लेते हैं कि एक्स हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी मीट्रिक स्पेस है, तो हमने ये दो कंडीशंस फुलफिल करानी है। एज़ यू कैन सी, वी हैव टू प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। वी कंसिडर दिस डिस्टेंस बिटवीन एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस ए। बाई यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, एक्स प्लस ए माइनस वाई प्लस ए विद द नॉर्म। यहाँ से आप इसके माइनस को इम्प्लीमेंट करेंगे, यू गेट एक्स माइनस ए एंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। सेकेंड कंडीशन पे आ जाएँ आप, वी हैव टू प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एक्स एंड ए वाई इज इक्वल्स टू ए मॉड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। नाउ वी कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड एंड बाई यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म वी कैन राइट इट एज लाइक ए एक्स माइनस ए वाई नॉर्म इज इक्वल्स टू ए मॉड, यहाँ से ए को कॉमन ले लिया है क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्म है तो वहाँ पे हम मॉडुलस ही स्केलर्स का कॉमन लेंगे। नॉर्म हमेशा वेक्टर स्पेस के लिए होता है और मॉडुलस हमेशा, सॉरी, नॉर्म हमेशा वेक्टर्स के लिए होता है और मॉडुलस जो है वो स्केलर नंबर्स के लिए होता है। तो यहाँ पे ये जो है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो अगर कोई भी मीट्रिक स्पेस इन दो कंडीशंस को भी फुलफिल कर जाए तो वो नॉर्म स्पेस हो जाएगी, अदरवाइज वो नॉर्म स्पेस नहीं होगी। यहाँ पे ये एक काउंटर एग्जांपल है टू प्रूव दैट एवरी मीट्रिक स्पेस मे और मे नॉट बी अ नॉर्म स्पेस। इसको हम थोड़ा प्रूव करते हैं। गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ मीट्रिक स्पेस विच इज़ नॉट अ नॉर्म स्पेस, स्पेस एस। ये आपने स्पेस पिछले चैप्टर में भी पढ़ी हुई है जिसमें हमने इसको मीट्रिक स्पेस प्रूव किया था, स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेज। यहाँ पे ये जो एक्स और वाई हैं ये आपके पास सीक्वेंसेज हैं इस टाइप के, एक्साई आई और ईटा आई टाइप के सीक्वेंसेज हैं और ये एक मीट्रिक स्पेस है। इसको आप पिछला जो चैप्टर में प्रूफ था वो यहाँ पे पुट कर दें। उसके बाद हमने ये शो करना है कि ये नॉर्म स्पेस नहीं है। अगर ये नॉर्म स्पेस नहीं है तो एटलीस्ट जो दो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं उनमें से किसी एक को फुलफ़िल नहीं करती होगी। तो हम ये सेकंड कंडीशन कंसीडर करते हैं, डी ऑफ ए एक्स कॉमा ए वाई। यहाँ पे हमने ये करना है कि जैसे एक्स और वाई है, उसके लिए हमने हर एक्स और वाई के साथ ए को मल्टीप्लाई करना है। जब ए मल्टीप्लाई होगा तो ए हर एक्साई और ईटा के साथ में यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम ए को कॉमन लेते हैं, ए यहाँ से कॉमन आ गया, लेकिन ये जो आपके पास टर्म आ रही है यहाँ से जब आप ए कॉमन लेंगे तो ये यहाँ से आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। एज़ यू कैन सी, ये जो प्रॉपर्टी बन रही है ये अगेन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई नहीं बनता, क्योंकि जब हम इस चीज़ को कैलकुलेट करें ए डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, वो इसके इक्वल है। यहाँ पे ए नहीं आता, ए सिर्फ यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कंप्लीट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई आएगा। तो बेसिकली ये जो ए और बी हैं ये दोनों हैं ये आपस में इक्वल ही नहीं हैं, और ये अगर इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास जो हमने थ्योरम पढ़ा है उसकी ये सेकंड कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती। इट मीन्स कि आपके पास ये जो है ये मीट्रिक स्पेस तो है लेकिन ये नॉर्म्ड स्पेस नहीं बनती। अब इसके आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, शो दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू ज़ीरो, इसको आपने प्रूव करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं उसमें एक्स और वाई टाइप के ऑफ रियल नंबर्स, शो दैट नॉर्म ऑफ एक्स आर डिफाइंड बाय दिस दिस एंड दिस। आपने जस्ट ये प्रूव करना है कि ये जो नॉर्म ऑफ वन, नॉर्म ऑफ टू एंड नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी हैं ये बेसिकली नॉर्म हैं, और उसके लिए आपको वही चार कंडीशंस प्रूव करनी है जो यहाँ पे हमने पढ़ी हैं। जस्ट इसका इतना प्रूव है और ये आप कंप्लीट कर लें। उसके आगे जो फर्दर चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।